फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज हम बहुत ही बढ़िया सा चिली पनीर बनाते हैं। तो देखिए, हमने ऐसे क्यूब में प्याज को कट कर लिया है और ये हमने थोड़ा सा कैप्सिकम लिया है और पनीर को हमने देखिए कुछ इस तरीके से कट किया है। अभी फ्रेंड्स, हमने जो जो चीज़ें कट की वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। अभी और हमें क्या क्या इसमें वेजी चाहिए आगे देखना। तब तक चलिए हम ये तैयार कर लेते हैं, अपना मतलब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे डाल दिया है, आरारोट डाला है। अगर आपके पास आरारोट नहीं हो तो यहाँ पे आप मैदा डाल सकते हैं या फिर चावल का आटा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम भुना हुआ जीरा का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला है। थोड़ा सा एकदम जरा सा ही हल्दी पाउडर डालेंगे। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हमने नमक नहीं डाला है फ्रेंड्स, देखिए तो कुछ इस तरीके से इसे मिक्स करेंगे। तो हमें थोड़ा थोड़ा पानी लेकर इसको मिक्स करना है जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से ये कोट हो जाए जो हमने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर डाला है उसमें। अब टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, बट हम रेड चिली नहीं खाते हैं तो इसलिए हमने नहीं डाला है। हम एकदम कोई भी मतलब रेसिपी में रेड चिल खाना पसंद नहीं करते हैं तो हमने एकदम टोटली स्किप कर दिया है। अब खाना पसंद करते हो तो थोड़ा सा यहाँ पे डाल देना चिली फ्लेक्स। अब हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। अब इसे अच्छे तरीके से हम डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए, गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे और जब तेल बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा ना, फिर इसे डाल कर एकदम फटाफट एक से दो मिनट के अंतर में ये अच्छे से फ्राई हो जाता है पनीर, क्योंकि हमें गैस को मतलब तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है फिर ही फ्राई करना है, जिससे कि फटाफट एकदम बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाता है और जलता भी नहीं है। मतलब इसे फ्रेंड जलाना नहीं है, इसे रेड होने तक फ्राई करना है। देखिए, जैसे हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से ही जब रेड हो जाएगा तब तक इसे हमें फ्राई करना है। देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमारा पनीर फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे। देखिए ऐसे ही फ्रेंड्स, जब तक इस तरीके से मतलब इस कलर का ना हो जाए रेड, तब तक इसे हमें फ्राई करना है। अब हमने अगले बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है, मतलब जितने हमने पनीर कोट करके रखा ना सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई कर लिया है। और यहाँ पर आपको लाइट को थोड़ा इशू होगा क्योंकि लाइट कट गया था। देखिए, हमने यहाँ पे स्प्रिंग अनियन ले लिया है, ग्रीन चिली कट कर लिया है और ये जिंजर और गार्लिक भी ले लिया, इसे भी एकदम बारीक चॉप किया है।
अब जितना बारीक चाहे उतना बारीक चॉप कर लेना, बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है ऐसे बारीक चॉप किया हुआ जो हम जिंजर गार्लिक डालते हैं। और ये हमारा कैप्सिकम और अनियन और ये स्प्रिंग अनियन, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, पत्ता प्याज और प्याज लिया है हमने और शिमला मिर्च ले लिया है। अब सेम उसी कढ़ाई में हमने तेल डाला फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रिफाइंड का तेल यूज़ किया है, सरसों का तेल नहीं यूज़ करना है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा फिर हमने अदरक लहसुन हरी मिर्च को जो अच्छे से कट करके रखा है एकदम बारीक चॉप करके उसे डाल देंगे, फिर प्याज को डालेंगे, फिर ये शिमला मिर्च कैप्सिकम उसे डाल देंगे, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और ये जब मतलब एकदम इसे पूरा अच्छे से कुक नहीं करना है, जब ये 50% ही कुक हो जाएगा ना उसके बाद इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये आज हम पनीर चिली विदाउट सॉस का बना रहे हैं। अगर आपके पास सॉस, मतलब कई लोग होते हैं ना जो सॉस वॉस खाना पसंद नहीं करते, जैसे कि हम लोग ज़्यादा उतना मीठा वाला फ्लेवर आता है सॉस वगैरह में, कुछ उस टाइप का अंदर बाहर का चीज़ खाना उतना पसंद नहीं करते हैं, तब इतनी ही चीज़ों में ना बहुत ही अच्छा सही पनीर चिली बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, मेरे फैमिली मेम्बर्स में सबको बहुत पसंद आया था और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है बनाना, तो आप लोग ज़रूर से इस तरीके से एक बार ट्राई करिएगा। इसे देखिए हमने अच्छे से कुक होने दिया, जब ये अच्छे से कुक हो गया ना फिर हमने जो पत्ते वाले प्याज को कट करके रखा है ग्रीन प्याज को इसे डाल देंगे, इसे ग्रीन प्याज भी बोला जाता है, स्प्रिंग अनियन बोला जाता है, पत्ता प्याज बोला जाता है। देखिए इसे अच्छे तरीके से कुक करेंगे हम, अब देखिए हमने यहाँ पे पनीर चिली मसाला लिया है मिक्स, ये हमने फ्रेंड्स 2 पैकेट लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। ये वाले मसाले ज़रूर से ऐड करना, बहुत ही बढ़िया से, मतलब और भी कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं है, इससे ही बहुत ही अच्छा सा बन जाता है, इजली आपको कोई भी मतलब मार्केट में मिल जाएगा। देखिए इसे हम अच्छे से स्लो फ्लेम पे प्याज और जो शिमला मिर्च है ना इसे पका रहे हैं, जो कि थोड़ा अच्छे से स्लो फ्लेम पे पकेगा तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। अब हमने यहाँ पे टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दिया है, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। नमक डालने पे बहुत ही जल्दी कुकिंग प्रोसेस फास्ट, मतलब बहुत ही फास्ट हो जाती है कुकिंग प्रोसेस। अब देखिए हमारा बहुत ही जल्दी से ये प्याज और कैप्सिकम भी पक जाएगा, कैप्सिकम। अब हमने यहाँ पे देखिए जो मसाले लिए थे ना ये पनीर चिली मसाला इसे डाल देंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 2 पैकेट लिया है मसाले ये वाला, डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने यहाँ पे 1 गिलास के करीब पानी डाल दिया है, अब फिर हमने यहाँ पे 1/2 गिलास और पानी डाला और इसे अच्छे तरीके से अभी उबाल आने देंगे।
फ्रेंड्स आपने एकदम ही सिंपल तरीके से ज़रूर से एक बार पनीर चिली बनाना, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है। फिर हमने इस पर पनीर डाल दिया और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से कुक किया। देखिए कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा, वीडियो पसंद तो लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे कनेक्टेड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।